वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों आप लोग के सामने हाजिर है फिर से 20 सितंबर का इंग्लिश का ऑल शिफ्ट के साथ। ओके तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला वर्ड है हमारे पास, वन वर्ड जो आया है वो है रूल बाय किंग और क्वीन। ओके राजा या रानी के द्वारा जो रूल किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं दोस्तों मोनार्की। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोनार्की, एम ओ एन ए आर सी एच वाई। ओके मोनार्की। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। और दोस्तों डबल धमाका के लिए भी तैयार रहिएगा, इसमें आपको फिर से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ही। ओके जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है आपके पास मिस स्पेल्ट और करेक्टली स्पेल्ट में जो भी आया होगा, ठीक है ये दो क्वेश्चन आया था। ठीक है चलिए देखते हैं, ये दो क्वेश्चन अभी हमको मिला है। पहला है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का स्पेलिंग बहुत ईजी है, एम ए एक्स आई एम यू एम, मैक्सिमम। ओके नेक्स्ट है आपका लाफ्टर, एल ए यू जी एच टी ई आर। ओके तो ये बहुत इजी पूछा था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, जनरल लाइफ में आप हमेशा देखते आए, बचपन से आप सुनते आए मैक्सिमम लाफ्टर, ये वर्ड आपके पास था ही। ओके थोड़ा सा दिमाग लगाते आराम से क्लिक कर देते। ओके तो बहुत इजी था मेरे के देखने से, अगर देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके इंग्लिश का अभी तक जो भी देखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस, इसमें कैसा टाइप का क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन था आपके पास कि फॉर अ रेनी डे। तो दोस्तों इसको समझना हो फॉर अ रेनी डे का मतलब क्या होता है। ओके तो पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं, विच मीन्स टू पुट समथिंग असाइड फॉर अ फ्यूचर टाइम ऑफ नीड। मतलब क्या है कि हम फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखें, कुछ जमा करके रखें कि कभी अगर हमको जरूरत पड़ा तो हम उसको यूज कर सके। जैसे आप सुनते होंगे माँ पापा बोलते हैं कि बेटा अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव करो, कुछ पैसा बचाओ, तुम बहुत खर्चीले हो, तुम पैसा सेव क्यों नहीं करते हो, कभी भी कुछ इमरजेंसी हो गया तो क्या करोगे। ओके हर तरफ आप सुनते होंगे कि पैसा सेव करो, सेव करो, फ्यूचर के लिए सेव करो, मुसीबत के लिए सेव करो, चाहे कोई भी चीज के लिए होता है। ओके तो चलिए आपको मीनिंग समझ में आ गया फॉर अ रेनी डे। ओके क्या होता है? पुट असाइड फॉर अ फ्यूचर टाइम ऑफ नीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। पहला है ओय। ओय का मतलब होता है आपका भय, फियर। ओय का मतलब क्या होता है? भय और फियर, हिंदी में बोलते हैं उसको भय और इंग्लिश में बोलते हैं फियर। ओके टेरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आप देखा जाए सिनोनिम्स बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा थोड़ा भी मिलता है तो एज अ सिनोनिम्स कहला जाता है। ओके तो इस पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ओके कोई कुछ भी बोल सकता है कि सर ये होगा और भी बहुत सारा मिल जाएगा, हल्का सा वर्ड अगर सेम रहता तो एज अ सिनोनिम्स हो जाता है। ओके तो इसलिए इस पे इतना डिबेट नहीं करना, वो चार आपके ऑप्शन से डिसाइड हो जाता है। आपको बस मतलब याद रखना है कि इसका मतलब होता है भय। ओके डरना, भय, ओके फियर। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी। स्टेशनरी आप जानते हैं कि जो स्थिर रहता है, जो स्टैटिक रहता है, रुका हुआ। ओके जैसे स्टैटिक, स्थिर, हिंदी में स्थिर, इंग्लिश में स्टैटिक। डायनेमिक किसको बोलते हैं? जो मोशन में रहता है। ओके फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि डायनेमिक मोशन, तो डायनेमिक मोशन बोलता है, डायनेमिक मतलब मोशन में, स्टैटिक मोशन नहीं होता, स्टैटिक शांत रहता है, रुका हुआ रहता है। ओके तो होप आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास फिर से डबल धमाका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का और रूल। ओके ऐसे में अभी तक आपको मैं अप्रोक्स 7 to 8 रूल बता चुका हूं, ये कुछ रूल है ये भी आपके सामने लाया हूं, और नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा और जो रूल होगा बचा वो मैं इसमें कंप्लीट कर दूंगा। ओके चलिए पहला देखते हैं क्या रूल है हमारे पास। माय मदर आस्क्ड मी व्हेन वुड आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। ओके तो इसका पहला रूल, दो रूल है अब देखिए ध्यान से, एक है आपका डायरेक्ट सेंटेंस के लिए और एक है आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस के लिए, ठीक है। देखिए ये आप सेंटेंस देख के आपको क्या एहसास हो रहा, क्या फील हो रहा है कि आस्क्ड मी है, दैट मीन्स ये क्या इनडायरेक्ट में है। ओके डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप थोड़ा सा भी जानते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनडायरेक्ट में है। चलिए तो रूल पहले देखते हैं। तो रूल हमारा डायरेक्ट लिख क्या है, देखिए कैसा फॉर्मेशन सेंटेंस का होगा, क्योंकि इससे देखिए ये क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में, पहले मैं बता दे रहा हूं जो भी क्वेश्चन ले रहा हूं सब प्रीवियस ईयर का है। ओके देखिए डायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा। ये आप दिमाग में याद कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, प्लीज
ओके. नेक्स्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड देन सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब. इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब था ओके और इसमें पहले सब्जेक्ट है. इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है. देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब. तो आपको बस यही दिमाग में रखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करूंगी ओके. तो देखिए चलिए यहां पे आप क्वेश्चन पढ़ के आप समझ जाइएगा कि क्या होगा. देखिए क्वेश्चन है माई मदर आस्क्ड मी व्हेन वुड आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क. तो यहां आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट में है. माई मदर आस्क्ड मी से आपको समझ में आ रहा है इनडायरेक्ट में ओके. देखिए तो इनडायरेक्ट में तो रूल क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, है ना. तो क्वेश्चन वर्ड यहां क्या है, क्वेश्चन वर्ड आपका व्हेन है ना. क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन. तो व्हेन के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए. क्या यहां पे सब्जेक्ट है, देखिए ओ माय गॉड यहां तो सब्जेक्ट नहीं है ओके. यहां तो सब्जेक्ट है नहीं, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ड पहले आ रहा है, तो इसका मतलब पहले सब्जेक्ट होना चाहिए. तो व्हेन आई देन वुड होना चाहिए ओके. दोस्तों क्लियर है, यहां पे क्या होगा, माई मदर आस्क्ड मी व्हेन आई वुड हैव, आई वुड हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क. तो ये रूल आप याद रखिएगा, डायरेक्ट पे आएगा ओके तो आप कर लीजिएगा, इनडायरेक्ट पे भी आएगा तो आप कर लीजिएगा. जैसे भी आप देखिएगा क्वेश्चन वाला आप समझ जाइएगा क्या करना है ओके. ये रूल को बस आपको दिमाग में याद रखना है. मैं एट लास्ट क्या करूंगा, मैं पूरा रूल एक साथ करके आपको फिर से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ओके. और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैंने जो भी वीडियो डाला है ओके, आज सुबह से जो भी वीडियो डाला उसमें मैंने इकोनॉमिक्स का कुछ चीज बताया आपको, आप प्लीज जाके उसे जोर देख लेंगे ओके. उसमें मैंने 5 ईयर प्लान को कवर किया है, तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा आज का 20 ओके. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए रूल पे क्वेश्चन है, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा. ठीक है, तो यहां पे रूल क्या बोलता है, रूल देखना है. रूल बोलता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर प्रिवेंटेड होता है तो प्रिवेंटेड के बाद क्या लगता है, फ्रॉम, देन आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है ओके. इसी से आपको समझ में आ गया. तो क्या होना चाहिए, हैवी रेन प्रिवेंटेड होगा, ऑब्वियस बात है कि सब इस फॉर्म पे हमको चलना, ये रूल है आपका. जब भी प्रिवेंटेड रहेगा तो ये रूल रहता है, सब्जेक्ट प्लस प्रिवेंटेड प्लस फ्रॉम प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म. तो देखिए क्या होना चाहिए, प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू दिस सिनेमा ओके. हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू सिनेमा, नॉट प्रिवेंटेड अस टू गो टू सिनेमा. तो ये गलत है. तो ये रूल अगर आपको याद रहेगा जब भी आप ऐसा देखेंगे तुरंत कर देंगे. एसएससी हमेशा रूल पे ही क्वेश्चन रखता है ओके. अगर आपको रूल अच्छा से पता है आप तुरंत आंसर मार के आ जाएंगे ठीक है. चलिए तो नेक्स्ट रूल पे चले क्या, चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस ओके. तो देखिए इस केस के लिए क्या रूल है आपको देखना है. तो देखिए जब भी डिफिकल्टी होगा, देखिए डिफिकल्टी आपका जब भी रहता है, ये एक नाउन है ओके. डिफिकल्टी जब भी रहता है तो वो क्या लेता है, टेक्स इन प्रीपोजिशन. क्या लेता है, इन प्रीपोजिशन. तो डिफिकल्टी के बाद क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए, डिफिकल्टी इन, ये फिक्स्ड आप दिमाग में रखिए ओके. देन आपका जो वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म का होता है, वर्ब जो होता है वो आईएनजी फॉर्म का होता है. तो देखिए यहां पे क्या है, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू, गलत नहीं होगा, क्या होगा, इन होगा. अब देखिए उसके बाद क्या होता है, वर्ब जो रहता है वो आईएनजी फॉर्म में रहता है, यहां पे क्या है, फाइंड है, आईएनजी फॉर्म में तो नहीं है, तो इसको क्या पढ़ना होगा, फाइंडिंग, फाइंडिंग द हाउस. तो वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस, ये करेक्ट होगा. यहां पे मैं लिख देता हूं अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस ओके. समझ में आ गया, तो ये रूल आपको दिमाग में याद रखना है ओके. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, सब जो भी बता रहे हैं आप लोग प्लीज चेक कर सकते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप चेक भी कर सकते हैं ओके. ये सब प्रीवियस ईयर से मैं उठा के आपको दे रहा हूं ओके. क्वेश्चन जितना भी सब प्रीवियस ईयर का है, ध्यान से देखिए इसमें क्या रूल आपको फॉलो होता है. द रीजन वाई ही कुड नॉट डू द वर्क वॉज बिकॉज,
ही हैड टू अटेंड टू हिज मदर हु वाज इल. ओके, तो देखिए ये इसलिए नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि उसकी माँ बीमार थी. ओके, रीजन ही बोलना चाहता है. तो याद रखिए कि जब भी रीजन वाई साथ में हो, रीजन वाई, तो उसके साथ जब भी होगा कंजक्शन आपका क्या लगेगा, कंजक्शन आपका क्या लगेगा, डैट लगेगा, बिकॉज नहीं लगेगा. क्लियर है? चलिए, तो रीजन वाई प्लस, तो देखिए यहां पे क्या होगा, द रीजन वाई ही कुड नॉट डू द वर्क वाज दैट ही हैड टू अटेंड टू हिज मदर हु वाज इल. बिकॉज नहीं होगा, क्या होगा, डैट होगा यहां पे. ओके, चलिए, तो होप आपको समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपने. चलिए फिर से हम आगे अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में, ठीक है. चलिए पहला पढ़ते हैं, रिजुविनेट. देखिए रिजुविनेट का मतलब क्या होता है, पुनः जीवित. ओके, फिर से जीवन पाना, ऐसा फील कीजिए. ओके, तो ये देखिए इसका सेंस कैसे आपको लेना है इस क्वेश्चन में. देखिए कि पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, मेक समवन और समथिंग लुक और फील, लुक और फील बेटर, यंगर और मोर वाइटल. ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या है, रिवाइव और रिस्टोर. देखिए होता है ना कि कभी कभी आप बहुत थके हो रहते हैं, एकदम परेशान रहते हैं, तो बोलते हैं नहा लेते हैं तो लगता है नया जिंदगी आ गया. बोलते हैं ना, जब भी आप बहुत थके रहते हैं बोलते हैं उफ, नहा लेने से लगता है नया जिंदगी आ गया. तो वही जिंदगी का वो बात करना चाहता है, पूर्ण जीवित. ओके, तो वो फील कराता आपको, है ना, फील कराता और लगता है एनर्जी आ गया, बहुत फ्रेश फ्रेश फील कर रहे हैं, तो फील कराना उसे कहते हैं रिजुविनेट. ओके, एकदम जवान बोले या वाइटल बोले या अब मतलब नया जीवन बोले ना, कि आपको लगता है फिर से एनर्जी स्टोर हो गया आपके अंदर. ओके, जैसे आप सुबह थे, जैसे आप सुबह गए ऑफिस, ऑफिस के बाद से जब आते हैं नहा के आप जैसे निकलते बोलते लगता ओह वही आ गया, तो एनर्जी आ गया जो सुबह था मेरे अंदर, एकदम रिवाइव हो गया, रिस्टोर हो गया. ठीक है, तो सेंस समझना बोलने का. ओके, नेक्स्ट आपका प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव मतलब आप नॉर्मल ही समझ सकते हैं, प्रगतिशील. तो इसका क्या होता है, ऑनवर्ड या डेवलपमेंटल. ठीक है, बहुत सारा सिनोनिम्स आपको इसका मिलेगा, हिंदी में भी बहुत सारा मीनिंग मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा सर ये गलत है वो गलत है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है. चार ऑप्शन अगर आपको दे दिया, ओके, तो उसमें आपको समझ में आ जाए कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सूट कर रहा है. कोई थोड़ी ना सेम जैसा दे देगा आपको सिनोनिम्स चार जो आपको डिसाइड करना है. ओके, ऑनवर्ड भी दे दिया, डेवलपमेंटल भी दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है. ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आपका डिस्पर्स. डिस्पर्स का मतलब क्या होता है ये देखिए. देखिए इसको आप देखिए तो बहुत सारा मीनिंग, एज अ वर्ब, एज अ एडजेक्टिव, आप जो भी लीजिए बहुत सारा मीनिंग है. देखिए कैसे बोलते हैं, बिखेरना स्प्रेड, बिखेरना स्प्रेड एज अ वर्ब इसका मीनिंग है. क्या मीनिंग है, बिखेरना एज अ वर्ब, याद रखिए दिमाग में, याद रखिएगा एज अ वर्ब इसे बोलते हैं बिखेरना स्प्रेड. ठीक है, नेक्स्ट आपका तितिर बितिर करना. नहीं बोलते हैं जैसे आप सुनते होंगे कि जो भीड़ था उसको डिस्पर्स करो, ओके, तितर बितर करो, तो वो किस केस पे यूज किया जाता है, एज एडजेक्टिव यूज किया जाता है, तब उसे बोलते हैं तितर बितर करना, स्कैटर उसका सिनोनिम्स हो जाएगा. ठीक है, इसमें स्प्रेड है, इसमें स्कैटर है. ठीक है, और एक मीनिंग होता है दोस्तों, आपको सिचुएशन के हिसाब से, आपको ऑप्शन के हिसाब से समझना होगा कि क्या इसका बोल रहा है. एक है वैनिश करना, मतलब मिटा देना. ये कब यूज करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कि इन केस ऑफ गैस, स्मोक, मिस्ट और क्लाउड, जब भी गैस से संबंधित रहेगा, ओके, इन दैट केस आप बोलिएगा वैनिश इसका मीनिंग. ओके, तो कंफ्यूज नहीं होगा इसका, बहुत सारा हिंदी मीनिंग मिलेगा, बहुत सारा आपका सिनोनिम्स मिलेगा, तो कंफ्यूजन वो ऑप्शन डिसाइड करता आपका. तो आपको लेकिन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तब तो आप अपने अनुसार लगा सकते हैं. अगर आप एज अ वर्ब भी जानते हैं, ऑप्शन में एज अ एडजेक्टिव का कोई दे दिया है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएगा. ओके, तो इसीलिए वर्काब को ऐसे पढ़िए, एक ही पढ़िए, पूरा अच्छा से पढ़िए, ठीक ना. तो चलिए देखते और कोई क्वेश्चन हमारे पास क्या नहीं. तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को. ओके, थैंक यू.